नमस्कार, किरण्स किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मूंग दाल से बहुत ही टेस्टी ब्रेकफास्ट बनाने वाले हैं। और फ्रेंड्स, इसे बनाने में हमने सिर्फ एक छोटा चम्मच ऑयल का ही इस्तेमाल किया है। बहुत ही टेस्टी बना है और अगर आप एक बार इसे बनाकर टेस्ट करेंगे तो आपको ये खमन का भी टेस्ट भुला देगा। इतना बढ़िया टेस्ट इसका आपको लगेगा। बहुत आसान रेसिपी है, आप एक बार इसे जरूर बनाइए, टेस्ट कीजिए। और आपको ये ब्रेकफास्ट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आके मुझे जरूर बताइएगा। तो आइए, बगैर देर किए फटाफट इस मज़ेदार नाश्ते को बनाना शुरू करते हैं। मैंने इसे कट भी कर लिया है और आपको मैं पास से दिखाती हूँ। इसकी जाली देखिए और इसकी सॉफ्टनेस देखिए, बना है ना बहुत ही बढ़िया। इसे हम किसी भी चटनी या सॉस के साथ गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। नाश्ता बनाने के लिए आधी कटोरी मैंने मूंग दाल ली है। छिलके वाली दाल है, आप चाहें तो इसके बदले बगैर छिलके वाली भी, जो मोगर के नाम से मार्केट में मिलती है, उसे भी ले सकते हैं। लेकिन मैं छिलके वाली दाल का इस्तेमाल कर रही हूँ। छिलके भी बहुत ज़्यादा पौष्टिक होते हैं, इसलिए अब इसे हम अच्छे से 2-3 बार पानी से धोकर और डबल पानी रखकर इसे भीगने के लिए रख देते हैं 3 से 4 घंटे के लिए। उसके बाद में मैं आपको आगे की प्रोसेस बताती हूँ। दाल अच्छे से फूल के तैयार हो गई है, आप देख सकते हैं। और जैसे ही हम इसको हाथ में ले रहे हैं और नाखून से इसे हम कट कर रहे हैं तो ये 2 टुकड़ों में इस तरह से टूट जा रही है। बहुत अच्छे से दाल फूल गई है, इससे अब ये अच्छे से पिस जाएगी। अब हम छिलके इसके अलग हो गए हैं, आप देख सकते हैं। तो थोड़ा सा मसलते हुए 2-3 बार पानी से इसे फिर से धो लेते हैं ताकि थोड़े छिलके निकल जाएंगे और थोड़े छिलके रह जाएंगे। 2-3 बार हमने दाल को अच्छे से धो लिया है तो आप देख सकते हैं कि इसके छिलके बहुत सारे तो निकल गए हैं, बस थोड़े ही छिलके इसमें बचे हैं। अब फ्रेंड्स, इस दाल को हम मिक्सी के जार में डाल लेंगे। ये दही है मेरे पास, 2 टेबल स्पून में इसमें दही डालूंगी और 2 हरी मिर्च, 1 इंच का अदरक और ये 4-5 कली लहसुन भी मैंने ली है। तो ये सारी चीजें दाल के साथ में डालकर हम इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना के तैयार कर लेते हैं। दाल को मैंने अच्छे से पीस लिया है लहसुन अदरक हरी मिर्च के साथ में, और दही डाल दिया था फ्रेंड्स, इसलिए ये थोड़ा सा डाइल्यूट हो गया है। हमें इसकी कंसिस्टेंसी अभी और भी देखनी पड़ेगी। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून बेसन इस्तेमाल कर रहे हैं और 2 टेबल स्पून ही मैंने सूजी ली है, बारीक वाली सूजी है। सारी चीजों को हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। दाल के बैटर के साथ में हमने सूजी और बेसन को भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें मैंने एक छोटा प्याज बारीक काट के लिया है, इसी के साथ थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल देंगे। बहुत कम सामान से हमारा बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनके तैयार होने वाला है। और 1/2 चम्मच में इसमें नमक डाल रही हूँ। सारी चीजों को अच्छे से फिर से मिक्स कर देते हैं। सारी चीजों को हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है तो फ्रेंड्स, आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। अभी ये थोड़ा ज्यादा गाढ़ा लग रहा है, लेकिन अभी हम इसमें पानी नहीं डालेंगे क्योंकि अभी सूजी पानी सोखेगी तो ये कितना गाढ़ा होता है उस हिसाब से हम फिर पानी डाल के इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर लेंगे। 15 मिनट हमने बैटर को रेस्ट करने के लिए रख दिया था। सूजी भी अच्छे से फूल गई है और जो हमारे प्याज थे, धनिया, नमक, सबने मॉइस्चर रिलीज कर दिया था तो ये हमारा बैटर बिल्कुल ठीक है। इसकी कंसिस्टेंसी हमें ऐसी ही चाहिए जैसे कि हमारा केक का बैटर होता है। फ्रेंड्स, मैंने एक गैस पर एक बड़े बर्तन में पानी गर्म होने के लिए रख दिया क्योंकि इसे अब हम स्टीम करेंगे। तो आप कोई भी भगोना या जो भी बड़े साइज का बर्तन हो उसे पानी डालकर, 1 गिलास पानी डालकर, स्टैंड डालकर उसे गैस पर हम स्टीम बनने के लिए रख देते हैं। पानी में स्टीम आती है तब तक मैंने एक बर्तन थोड़ा सा ऑयल लगा के ग्रीस कर लिया। मेरे पास एक केक वाला टिन है, मैंने ये ले लिया। अगर आपके पास इस तरह से कुछ बर्तन नहीं है, केक वाला टिन नहीं है, तो आप स्टील का कोई भी इसी तरह से बाउल भी लेके और अपना नाश्ता बना सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारे उसमें पानी में स्टीम आने लगी है। मैंने एक पाउच ये इनो का ले लिया है, कोई भी फ्लेवर वाला हो चलेगा, पूरा हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद में अब जो ऑयल लगा बर्तन है इसमें हम पॉट में इसे शिफ्ट कर देंगे। बस 1-2 बारी से हम सेव कर देते हैं और इसे अब हम स्टीम करने के लिए रख देते हैं।
पॉट को मैंने स्टीम वाले बर्तन में रख दिया है। मैंने बड़े साइज का कुकर ही ले लिया है फ्रेंड्स। कुकर के ढक्कन की मैंने सीटी हटा दी है, लेकिन ये रबर गैस्केट है वो लगा ही है। कुकर को हम ऑफ कर देते हैं और 7 मिनट के करीब इसे हम हाई फ्लेम पर ही स्टीम होने देंगे और उसके बाद में 4 मिनट पर हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर स्टीम करेंगे। अब हमने गैस बंद कर दी है और इसे किसी भी शार्प चीज से चेक कर लेते हैं। देखिएगा इस तरह से एकदम अगर चाकू क्लीन आ रहा है तो हमारा नाश्ता बनके तैयार है। बस थोड़ा सा इसे अब हम ठंडा होने देते हैं, फिर इसे कट करेंगे। देखिएगा बिल्कुल हमारा नाश्ता ठंडा हो गया है और हमने इसमें हल्का सा जो ऑयल लगाया था तो इसने सारी किनारे छोड़ दी है। इसे अब हम प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिएगा बहुत आसानी से ये पलट गया और इसकी जाली आपको पास से दिखाती हूँ और इसका देखिए कितना बढ़िया सॉफ्ट हमारा नाश्ता बनके तैयार हुआ है। पूरा बहुत अच्छा, बिल्कुल जैसा कि हमारा ढोकला बनके तैयार होता है उसी तरह से आप देखिए इसकी जाली भी मैं आपको पास से दिखाती हूँ। अब हम इसका बघार तैयार कर लेते हैं। गैस पे मैंने पैन गर्म होने के लिए रख दी है। पैन में मैंने एक छोटा सा चम्मच ऑयल डाला है। बहुत कम ऑयल से ये नाश्ता बनके तैयार हो जाता है। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, अब इसमें हम आधा चम्मच राई डाल देंगे। इसे अच्छे से चटकने देते हैं। राई अच्छे से चटक गई है, अब एक बड़ा चम्मच में इसमें तेल डाल दिया। इसी के साथ में 8-10 मैंने नीम डाल दी है, कड़ी पत्ता और 2-3 मैंने हरी मिर्च ले ली है। वो मैंने थोड़ी सी ज्यादा ले ली है क्योंकि अगर बच्चे खाएंगे तो ठीक है, नीचे उसे साइड में भी कर सकते हैं। अब इसे धीमी आंच पर अच्छे से हम चटकने देते हैं। सारी चीजें अच्छे से सिक गई है। अब जो हमने अपना नाश्ता तैयार किया था उसे इस पर डाल देंगे, अच्छे से इसे हिला लेंगे और इसे पलट कर भी हम इसी तरह से 2 मिनट के लिए बस गैस पर भून लेंगे। तैयार है उसका, हमें उसे कोई कुक करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ये अच्छे से मिर्च के साथ में सिक जाएगा। तो देखिएगा फ्रेंड्स, हमने इसे 2 मिनट के लिए दोनों साइड से मसालों के साथ में बस थोड़ा सा सेक लिया है। बहुत ही टेस्टी हमारा नाश्ता बनके तैयार हो गया है और बहुत कम समय में, और ये हमें खमन से भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट देगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। आप इसे अपने मनपसंद साइज में छोटे या बड़े पीसेस में कट करके इंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल सॉफ्ट बना है, मुंह में घुल जाने वाला। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिएगा और ऐसी ही इंटरेस्टिंग रेसिपी देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू। आज हम मूंग दाल से बहुत ही टेस्टी ब्रेकफास्ट बनाने वाले हैं और फ्रेंड्स इसे बनाने में हमने सिर्फ 1 छोटा चम्मच ऑयल का ही इस्तेमाल किया है। बहुत ही टेस्टी बना है और अगर आप एक बार इसे बनाकर टेस्ट करेंगे तो आपको ये खमन का भी टेस्ट भुला देगा, इतना बढ़िया टेस्ट इसका आपको लगेगा। बहुत आसान रेसिपी है, आप एक बार इसे ज़रूर बनाइए, टेस्ट कीजिए और आपको ये ब्रेकफास्ट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आइए बगैर देर किए फटाफट इस मज़ेदार नाश्ते को बनाना शुरू करते हैं।